अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का नाम है कैलकुलेटर लॉकर। और ये लॉकर जो है वीडियोस, एप्लीकेशंस और पिक्चर्स, फाइल्स, ये सब लॉक करता है। और मज़े की बात ये है कि आप इन सब को लॉक करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इस वीडियो को और इस लॉकर को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख रही है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान सिद्दीकी, आप देख रहे हैं सुपीरियर इन्फोटेक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है ये आपको प्ले स्टोर वगैरह से नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये एप्लीकेशन कोई आम ऐप लॉकर की तरह या ऐप हाइडर की तरह नहीं है जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। यह है बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन जो कि ये सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, ये आपको वहीं से मिल जाएगी, आप मेरी डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा वो आइकन कैलकुलेटर का, तो इसे डबल क्लिक करते हैं। ये देखें, ये जो है पहला ये आपके पास पेज आएगा जिसके ऊपर ये कह रहा है कि क्रिएट अ लॉकर पासवर्ड, मतलब कि आप पहली मर्तबा इसके ऊपर पासवर्ड सेट करेंगे। मैं सिंपली पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5, रिपीट पासवर्ड 1 2 3 4 5, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये कह रहा है कि मतलब कि रिकवरी पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन, तो इन लोगों ने मतलब एग्जांपल दे रखा है कि फेवरेट टीचर नेम। ये इसलिए होता है दोस्तों कि मतलब कि आपको पासवर्ड भूल जाता है तो ये आप जब इसे फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने इसे क्वेश्चन देना है। मिसाल के तौर पे फेवरेट टीचर ही ले लें, या हाँ फेवरेट टीचर ही ले लें, तो फेवरेट टीचर लिखते हैं हम फेवरेट टीचर नेम। अब दोस्तों, ये मेरे फेवरेट टीचर नेम तो सिर्फ मुझे ही पता होगा ना, तो ये मेरे फेवरेट टीचर का नाम है अब्बास शाकिर। सेव एंड स्टार्ट पे क्लिक करें। ये देखें, अब ये इस तरह का होगा, मैं आपको फिर से बंद करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब इसके ऊपर जब पासवर्ड हमने नया सेट कर दिया है तो कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये खुल गया है, तो हम इसे अपना पासवर्ड देंगे। आमतौर पे तो ये आप कैलकुलेटर की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन ये पासवर्ड मांग रहे थे 1 2 3 4 5 = ये हमारा खुल गया लॉकर, और ये हमें सब कुछ बता रहा है। इन केस यू आर फॉरगेट योर पासवर्ड सिंपली इंटर आप, ये सब कुछ आप पढ़ लें। और इज इक्वल टू पे मतलब कि वो कह रहे हैं कि इस तरह आप पासवर्ड मिलाएंगे और इज इक्वल टू क्लिक करेंगे तो ये जो है खुल जाएगा। ओके करें, उसके बाद जो है ये रहा ऐड करने के लिए प्लस का निशान, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि कोई भी पिक्चर वगैरह या हमने कोई चीज़ ऐड करनी हो तो ये उसके लिए, ये देखें फ़ोटो एल्बम में ये देखें हमारी मतलब कि ये पिक्चर्स वगैरह या कुछ भी ठहरी हैं। मिसाल के तौर पे मेरी ये पिक्चर ठहरी है, मैं इसे लॉक करना चाहता हूँ, तो ये देखें इसके ऊपर टिक मार करके लॉक के ऊपर क्लिक कर दें। दोस्तों, ये पिक्चर मेरी लॉक हो गई है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ओके, गॉट इट बैक। अब देखें, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये आ जाए इधर अपनी गैलरी में हमारी पिक्चर्स, ये रही, देखें दोस्तों वो पिक्चर्स यहाँ से गायब है, यहाँ पे नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा यहाँ पे क्लिक। तो दोस्तों, ये फाइल देखने के लिए हमें ओपन करना है लीगल टू, ये हमने जो फाइल लॉक की थी वो इसके अंदर ठहरी, ये रही, ये हमारी वो पिक्चर है। ठीक है दोस्तों, और इसे बैक करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमारी फ़ाइल जो है ये दोबारा अनहाइड हो जाए, अनलॉक हो जाए, तो इसे ये हमने अनहाइड कर देना है।
तो ये पिक्चर जो है, ये देखें इंटरनल मेमोरी, ये वहीं पे रिस्टोर हो जाएगी हमारी फाइल। और आप चाहते हैं कि हमारे इस लॉकर को कोई बंदा वो ना कर सके, मतलब कि अनइंस्टॉल ना कर सके, तो इसके लिए यहाँ सेटिंग में जाएं और सेटिंग के लिए ये लिखा हुआ है अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन। अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन को आप अनलॉक कर दें, ये चेक कर दें और एक्टिवेट कर दें। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एप्लीकेशन में आ जाएं, ये सेटिंग, सेटिंग में आके ये एप्स, उधर से ये रहा हमारा कैलकुलेटर, ये देखें ये फोर्स स्टॉप और अनइंस्टॉल दोनों फ्रीज हैं, मतलब कि ये अनइंस्टॉल नहीं हो सकता जब तक आप इसे पासवर्ड ना दें या अंदर से जाके इसे इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म ना कर दें। ये देखें फिर से इसे पासवर्ड देते हैं और ये रही हमारी ये रही हमारी सेटिंग। और ये अगर हम अनइंस्टॉल करना चाहें तो हम पहले इसे ऑफ़ करेंगे, प्रोटेक्शन अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन को डिसेबल कर देंगे। और दोस्तों ये भी बहुत सारी अभी इसके अंदर सेटिंग पड़ी है, ये जैसे नाइट मोड है, नाइट मोड आप ऑन कर सकते हैं, मैं तो ऐसे रहने दूंगा। और फेसबुक लॉक और मतलब पासवर्ड रिकवरी बाय ईमेल, ये देखें ईमेल के थ्रू भी आप इसके इसका पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। ये सब आप पढ़ें, ये देखें ये लिखा हुआ है अनलॉक विद फिंगर, ये आप सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ज़रा पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।